हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल टूरी जानकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी का अभी रिजल्ट आया था उसके बारे में। दोस्तों, उस जो परिणाम आया था उसमें इतनी बड़ी धांधली की गई कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कितने कितने विद्यार्थियों के 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं और किस प्रकार आ रहे हैं, और काफ़ी विद्यार्थियों के आपको लिस्ट बताऊंगा, उनके नंबर बताऊंगा जो एक साथ एक ही रूम के विद्यार्थियों के वहां पर सिलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और अब है जो परिणाम आपका रद्द होगा और नए सिरे से इनको रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। दोस्तों, और जो जिनके 40-45 नंबर आ रहे हैं उनका भी यहाँ पर 100% सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है। दोस्तों, तो ये किस प्रकार होगा दोस्तों, इन सभी के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है और इसे चैनल को मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी होती है उनकी सबकी यहाँ पर अपडेट उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हो जो रेलवे ने जो रिजल्ट निकाला था ग्रुप डी का, उसमें काफ़ी विद्यार्थियों के जो 50% से ऊपर विद्यार्थी हैं जिन्होंने इनको क्वालिफाई किया है पीईटी के लिए, उनके नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर 100 से ऊपर उन्होंने यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। दोस्तों, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आप देख सकते हो, ये गुवाहाटी जोन से बिलोंग करते हैं और ये अजय कुमार गौतम, इनका नाम आप देख सकते हो 102 नंबर इनको यहाँ पर मिले हैं। दोस्तों, इसी प्रकार काफ़ी विद्यार्थी आप देख सकते हो, यह है रविंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, 109 नंबर मिले हैं इनको। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हो राजकुमार है, इनको 112 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों ये अहमदाबाद जोन से हैं राकेश कुमार सिंह, इसको 384 नंबर दे रखे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 148 नंबर दे रखे हैं। तो दोस्तों, ये साफ साफ देख सकता है कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है और जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, उसको आप गौर से देखना। दोस्तों, ये है पटना जोन के जो एक ही रूम की शिफ्ट है, इसमें 92 स्टूडेंट को पास किया गया है। आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें देख रहे हो आप दोस्तों, जो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर 6, 15, उसके बाद 23, 37, 45, 58, 71, 80, 96। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी लिस्ट है। दोस्तों, ये हो सकता है क्या जो एक ही रूम के इतने सारे विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो सकते हैं क्या? दोस्तों, आप भी सोच के बताइए थोड़ा। दोस्तों, ये इतना बड़ा घोटाला किया है इन्होंने, जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। दोस्तों, आप सभी को इसके खिलाफ होना चाहिए दोस्तों, और रिजल्ट वापस जारी करने की आपको मांग उठानी चाहिए। काफ़ी जोन में ये हो रहा है दोस्तों, काफ़ी स्टेट में जो रेलवे है उनको इन्होंने घेर रखा है, रेलवे के जोन को, और साफ साफ विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो दोबारा जारी किया जाए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये इतना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, आपके सामने मैं बता रहा हूँ ऑफिशियली है दोस्तों। और काफ़ी विद्यार्थियों के जो 100 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 348 और जो ये नंबर है ये इन्होंने एडिट कर रखा है, रेलवे का ये कहना है। लेकिन दोस्तों, अपन मान सकते हैं कि जैसे 348 इन्होंने ऐसे बोल दिया कि ये एडिट है, लेकिन दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन नंबर और इनकी साइट पे उपलब्ध हो रहे हैं 100 से ऊपर नंबर, किसी के 102, किसी के 105, वो नंबर तो दोस्तों रियल है, वो तो एडिट नहीं हो सकते ना, उसके बारे में ये कैसे कह रहे हैं? तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये कितना बड़ा घोटाला है। और दोस्तों, जब ये रिजल्ट वापस जारी होगा तो इसमें 100% है जिनके 40 या 45 नंबर बन रहे हैं उनके नॉर्मलाइज होके वो नंबर इंक्रीज होंगे दोस्तों, और उनका भी नंबर यहाँ पर हो सकता है सिलेक्शन। दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना बड़ा इन्होंने घोटाला किया है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो सारे इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं वो सारे के सारे बिक गए हैं दोस्तों, तभी इतना बड़ा घोटाला हुआ है दोस्तों। और ये इतने इतने विद्यार्थी एक ही रूम के यहाँ पर जो एग्ज़ाम है इन्होंने क्वालिफाई किया है। और दोस्तों, अगर हम इस बात का विरोध नहीं करेंगे तो दोस्तों जो आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं NTPC और जो ग्रुप डी की वैकेंसी और आ रही है उसमें भी इसी प्रकार का अपने को घोटाला देखने को मिलेगा दोस्तों, और अपने साथ फिर धोखा होगा। तो दोस्तों, अभी से ही हम इनके खिलाफ विरोध के लिए तैयार हो जाइए, और हमारी मांग को दोस्तों जारी रखिए कि आप जो रिजल्ट दोबारा जारी करें। दोस्तों, इनके जितने भी ट्विटर अकाउंट है और मेल है सब पर आप ये पोस्ट डाल दीजिए दोस्तों, और इनको बता दीजिए कि हमारे साथ धोखा करना बहुत ही आपको महंगा पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके भी अगर नॉर्मलाइज मार्क कम हुए हैं या बड़े हैं, कितने बड़े हैं, तो आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों।
और दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और पास में दी घंटी के बटन को भी दबा लेना ताकि जैसे ही नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं को लेटेस्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।